जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा टो मार्केट के हवाले से। टो मार्केट की जो है एलोकेशन आपको मिल गई, माइनिंग अभी चालू है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो क्या इनका प्रोसीजर होने वाला है, क्या जो आपको एलोकेशन मिल चुकी है वो आप सेल आउट टोकन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनका विड्रा आपने कैसे लगाना है, इस वीडियो के अंदर आपको सारा प्रोसीजर सारा तरीकाकार जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसकी माइनिंग जो है अभी तक भी चालू है। इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि ये फेज टू भी ला सकते हैं अपना माइनिंग का, ठीक है। अब इसकी लिस्टिंग के हवाले से अगर बात करें तो इसकी लिस्टिंग के हवाले से इनकी अपडेट आ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये थोड़ा ओपन हो जाए, इसकी कुछ चीजें मैंने आपको वो भी बतानी है। इसका विड्रॉल जो है वो भी ओपन हो चुका है, इसको दोबारा ओपन करते हैं। तो विड्रॉल जो है आप कैसे कर सकते हैं अपने टोकन, ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। ये जब तक ओपन होता है मैं आप को जो है लिस्टिंग की जब तक अनाउंसमेंट दिखाता हूँ। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपने जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज अभी इनकी अपडेट आती है 4 बजे तकरीबन, जो है 4:34 पे इनकी अपडेट आती है। टू मार्केट फार्मिंग पूल 101, टू मार्केट फार्मिंग पूल, ये है जी टू मार्केट की फार्मिंग। तो यहाँ पे फार्मिंग के अंदर जो है आप कैसे जो है समझ सकते हैं कि इनकी जो है फार्मिंग का क्या मतलब है, जो अभी हो रही है, जो इनकी माइनिंग हो रही है, और यहाँ पे स्टेकिंग जो है काफी लोगों ने स्टेक किया हुआ है, तो उनका क्या जो है उनको बेनिफिट होगा नहीं होगा, उनके टोकन लॉस में तो नहीं हो गए, या अभी आप स्टेकिंग कर सकते हैं या नहीं, ये आपको बताया गया। इसके बाद रेफरल बोनस बताया गया। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि आप यहाँ पे जो है फार्मिंग का बोला गया, द मोर टोमा यू जस्ट टोमा यू स्टेक द ग्रेटर योर फार्मिंग रिवार्ड। आप एक अच्छा एयरड्रॉप लेने के लिए आप अपने टोकन को स्टे कर सकते हैं। स्टेकिंग का भी आगे इन्होंने प्रोसीजर बताया कि व्हेन स्टेकिंग एंड्स योर टोमा ऑटोमेटिकली रिटर्न, जब जो है आपकी स्टेकिंग एंड होगी, पता नहीं ये किस दिन जो स्टेकिंग को एंड करते हैं, अगर लिस्टिंग वाले दिन आपके टोकन अनस्टेक ना हुए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये होगा क्योंकि जब टोकन एक लॉन्च होता है कोई प्राइस जो है बेहतर होती है, जब जो है वो लॉन्च हो जाता है एक दो दिन के बाद, अगर ये अनलॉक आपके हुए तो एक दो दिन के बाद जो है प्राइस बहुत ज्यादा डंप कर जाती है, तो फिर ना सेल करने के बराबर ना प्रॉफिट होने के बराबर आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद जी यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप जो है यहाँ पे अपनी फार्मिंग जो है जारी रखते हैं और यहाँ पे रेफरल बनाते हैं तो उनकी तरफ से 10% वो भी आपको रिवार्ड मिलेगा। हमारे जो काम की चीज है जस्ट वो ये है। अभी हमने जो है वेट करना है कि इनकी अनाउंसमेंट जो लिस्टिंग की है, यहाँ पे लिस्टिंग डेट सून यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, कुछ देर पहले की बात है 4:34 पे इनका मैसेज आया, तो अभी जो है तकरीबन 4:44 हो रहे हैं, मतलब के कितना आपके 10 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो इनकी अपडेट आ चुकी है। लिस्टिंग इसकी कल परसों इसी वीक इनकी लिस्टिंग की अपडेट भी आ जाएगी, तो आपने बेफिक्र रहना, जो ही अपडेट आएगी आपका भाई आपको प्रोवाइड करेगा। लिस्टिंग के बाद जो है आपने टोकन अपने विड्रा कैसे करने ऐप देखते हैं ओपन हो गई है, आपने यहाँ पे एयरड्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे एयरड्रॉप के ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके टोटल जो एलोकेशन है ये नजर आएगी। स्टेकिंग को छोड़ दो, अगर आप करना चाहते हो अपने बिहेव पे करो, मैं नहीं करवाऊंगा आपसे। इसके बाद यहाँ पे हमें विड्रा का ऑप्शन भी नजर आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिस्टिंग सून गो स्टेक एंड अर्न मोर टोमा, वो कहता है कि लिस्टिंग जो है वो थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे देखिए अर्निंग हमारा जो ऑप्शन है वो हमें शो करवाया जा रहा है। पीजी ये भी एयर ड्रॉप इसका मतलब है सही है, इसको देखना पड़ेगा। डक चेन को दिखाया जा रहा है, डक चेन तो मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आप नहीं करें तो डक चेन को लाजमी करें। इनवाइट एंड अर्न लाइफ टाइम गो अर्न बोनस 10% ऑफ योर फार्मर्स कॉइन, तो इसको जो है यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन ही हम छोड़ते हैं, यहाँ पे इसको करते नहीं है। तो अब जो है मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। विड्रा के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी जो है लिस्टिंग सोन का बोला जा रहा है, कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, एक दो दिनों के अंदर जो है आपने यहाँ पे विड्रा के ऊपर क्लिक करके जिस भी एक्सचेंज का आपने एड्रेस डालना है, ओके एक्स बेहतर होता है। अभी भी जो है कुछ प्रोजेक्ट एक्स एम्पायर लॉन्च हुआ थे, इसकी जो प्राइस थी ओके एक्स के ऊपर कुछ बेहतर थी, बाय बिट बिटगेट वहां पे बहुत कम आई थी,
तो आपने उसी टाइम जो ओकेएक्स का एड्रेस लगा देने, कभी बायबिट पे भी प्राइस ज्यादा होती है और ओकेएक्स पे कम होती है, तो आपको जो बेहतर लगे आपने वो लगा देना। हिंट मैंने दे दिया आपको। तो आपने विड्रा के ऊपर क्लिक करके अपने टोकन जो है वो विड्रा कर लेने हैं। अभी क्या आपको बोला गया, लिस्टिंग सून, मतलब इसी वीक के अंदर आपको लिस्टिंग की डेट भी मिल जाएगी। तो अब आपने वेट करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर मैं सुनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।